एक एक्टर उतना ही अच्छा होता है जितना उसका डायरेक्टर, जितना उसका क्रू। अगर मेरे बूम बॉय ने डिसाइड कर लिया कि आप आज मुझे बूम सही पकड़ना ही नहीं है और इससे मेरे पंगे हैं, ये एक्टर ने हमेशा मुझे हिराकत की नज़र से देखा है, तो आप 10 बार डायलॉग बोलोगे, आप डबिंग के लिए तो जाने ही पड़ेगा। इस नई दोस्ती की आगाज की खुशी में नाज़नीन सौगात में ये हिरनी लेके जा रही है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिक फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज हम लोग हैं अलादीन नाम तो सुना है के सेट पर और यहां पर मेरी मुलाकात हुई है इनसे। ये क्या क्या करती हैं ये आपको मालूम है, लेकिन आज ये बताएंगे ये क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। नॉर्मली क्या होता है, माँ का एक जो करेक्टर हमेशा हम आसपास देखते हैं वो बड़ा पॉजिटिव होता है, उसमें ममता होती है, उसमें बहुत सारा प्यार होता है, वात्सल्य होता है, लेकिन जब ऐसा करेक्टर प्रिपेयर करना पड़े कि इसको हर जगह गड़बड़ी फैलानी है तो कहाँ से ऑब्जर्वेशन आया, ये तो मिलते ही नहीं हमें करेक्टर। हमें हिंदी फिल्मों में बड़े मिलते हैं ये कैरेक्टर। हमें ललिता पवार मिली जो हमेशा माँ बनी पर खतरनाक बनी। हमें मनोरमा जी मिली जो हमेशा माँ बनी पर खतरनाक मिली। वीना आंटी जो कि रिश्ते में भी मेरी दादी लगती थी, सगी नहीं बट रिश्ते में, उन्होंने हमेशा माँ का किरदार निभाया लेकिन बुरी माँ का निभाया। वो जब बुआ भी बनी तो बुरी बनी। शशिकला जी वो भी माँ बनी और वो भी बुरी बनी। तो जो खलनायिका है कल की वो ये बताते कि हर माँ अच्छी नहीं होती है, हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छी होती है। कहीं ना कहीं हर माँ रंज में जलसी में, आजकल हम ये बहुत देख रहे हैं, इतना प्रेशर बच्चों पे डालती है कि उसको देख, उसका कंपटीशन देवरानी से इसलिए क्योंकि उसका बच्चा बेहतर कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि मेरा बेटा शायद या बेटी दूसरे किसी चीज में बेहतर हो। मतलब एक एक्टर जो है वो पॉजिटिव किरदारों से तो इंस्पायर होता ही है, उन्हें एडमायर करता है, लेकिन नेगेटिव जो किरदार हैं जो कि वैम्प रहे, विलेन रहे, उनसे भी इंस्पायर होते हैं ज्यादा क्योंकि पॉजिटिविटी आपके पास, अगर आप देखें यूनिवर्स में 90% पॉजिटिविटी है, 10% नेगेटिविटी है, तो आपको ढूंढ के नेगेटिविटी से इंस्पायर होना पड़ता है। राइट, और नेगेटिविटी बहुत जरूरी क्योंकि उसी से पॉजिटिव चीजों की वैल्यू बढ़ती है, सफेद कैसे बढ़ती है। एक्टर के लिए जो भी करेक्टर ब्रीफ मिलता है वो बहुत जरूरी होता है अंडरस्टैंड करना और उसको पोर्ट्रे करना। बिल्कुल, एक एक्टर उतना ही अच्छा होता है जितना उसका डायरेक्टर, जितना उसका क्रू। अगर मेरे बूम बॉय ने डिसाइड कर लिया कि आप आज मुझे बूम सही पकड़ना ही नहीं है और इससे मेरे पंगे हैं, ये एक्टर ने हमेशा मुझे हिराकत की नज़र से देखा है, तो आप 10 बार डायलॉग बोलोगे, आप डबिंग के लिए तो जाने ही पड़ेगा। तो हर एक्टर उतना ही अच्छा होता है जितना आपके आसपास के लोग, आपके स्पॉट से लेके आपके डायरेक्टर तक, आप जो बर्ताव करते हैं वही आपके कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट। तो इट मींस ये हुआ कि सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि यूनिट के साथ जो आपका बिहेवियर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नागेश कुकनूर मेरे बहुत करीबी फ्रेंड हैं और हम दोनों हमेशा यही डिस्कस करते हैं कि एक्टर 19-20 चल जाएगा, इंसान 19-20 नहीं चलता। तो इंसानियत में आपको 20 ही होना है, और हो सके तो 21 होइए लेकिन कमतर मत होइए। सब लोग जब भी प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या आपने शुरू से कंफर्म सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है? मैं बचपन में ऐसा बहुत सोचती थी कि मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन बचपन में एक्चुअली जैसे हम 8-10 साल की उम्र तक ऐसे सोच रहे थे मैं डॉक्टर के बड़ा बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बड़ा। दो तीन प्रोफेशन होते हैं जो, हाँ तीन प्रोफेशन हमारे, चौथा होता टीचर, जो कुछ नहीं बन जाएगा वो टीचर बनेगा। आई वॉन्टेड टू ग्रो अप वेरी फास्ट। मुझे मैंने अपना बचपन बहुत इंजॉय किया लेकिन मैं सोचती थी बस अब कितना खेलेंगे, बड़े हो जाएं यार, बड़े होने के बाद सारी एक्टर बन सकते हैं, कंट्रोल आ जाएगा। नहीं, बड़े हो जाएं तो दूसरों पे रोक जमा सकते हैं, बच्चों पे। इसलिए मैं बड़ा होना चाहती थी, बट हाँ एक्टिंग का कीड़ा जो था वो पहले सा था, पेंटिंग का भी था, और ये दोनों चीज़। और जब तक मैं 15-16 साल की थी तब तक तो मैंने घर से यानी मम्मी को बता दिया था, पापा से छुप छुप के एक्टिंग की। और आप सरप्राइज होंगे कि मेरे पापा को मेरी एक्टिंग यानी मैं टेलीविजन में 3.5 साल करने के बाद जब मैं बेटियां कर रही थी तब उनके नाई ने बताया कि आपकी बेटी एक्टर है। क्या बात है। तो मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत सपोर्टिव थे, वो मुझे 9 बजे छोड़ देते थे ताकि 10 बजे मेरे पापा आते हैं उससे पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। ओके, सो ये बहुत सपोर्ट मुझे मिला उस वक्त और मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बताने से पहले आपका काम उनके पास पहुँच गया, ये भी अचीवमेंट है। इससे ये पता चल गया कि नाई जो है अच्छे रही है, सारी खबरें पहुँचा देंगे। ओके, थैंक यू।